अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गोलू जी अब क्या कर रही है? कन्नी, तुम्हें ये विदेशी बन कराने की क्या जरूरत थी? अंग्रेजी में ठीक से हाय हेलो तक नहीं बोल पाती, पर ये एक फिरंगी मैन बनने हाँ पकड़े गए तो। हाँ भाभी, हमने आपसे दुल्हनिया बनने के लिए कहा था ना, तो आपको दुल्हनिया ही बनना चाहिए था। अरे बस कीजिए आप लोग, हमें तो लगा था सरदार शाबाशी देंगे, पर यहाँ तो सब हमरे पीछे ही पड़ गए हैं। अरे आप लोग हम पर भरोसा रखिए और देखते जाइए कैसे हम उस सरपत को इशारों पर नचाकर जायदाद के कागज वापस लेते हैं। कली, लेकिन तुम्हें फिरंगी बनने की क्या जरूरत थी? ये रानी के भाई अनपढ़ है, लेकिन रानी अनपढ़ नहीं है ना, ऐसे पकड़ लेगी तुम्हें। नहीं देवर जी, उस छिपकली को हम संभाल लेंगे, और हमें अंग्रेज मैम बनना था तो हम बन गए। ये देखो। अच्छा ठीक है भाभी, आपने रूप ले तो लिया है, लेकिन बहुत संभाल कर रहिएगा। अगर आपको जरा सी भी गड़बड़ लगे या फंसने लग जाए ना, तो बात को ऐसे घुमाइएगा कि वो लोग घूम जाए। हाँ हाँ, ये तो बहुत सही आइडिया है। भाभी आपकी आंखें। अरे हाँ, हमने वो नीले रंग वाला लेंस लगाया है ना, वही। भाभी वो तो ठीक है, पर एक है, पर एक नहीं है, दूसरा कहाँ गया? हा? क्या ये देखिए, कहाँ गया वो लेंस, कहाँ गया? ये लड़की हम सबको मरवाएगी, इससे पहले मैं ही उसे मार डालूंगी। नहीं 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 सर जी, नहीं नहीं। कविता कविता, अरे कविता कविता कविता, शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ मम्मी जी? अगर ये लेंस किसी और के हाथों लग गया तो प्रभु। अरे 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 पकड़ो इसको। कली, याद करने की कोशिश करो कि वो लेंस कहाँ गिरा होगा। तुमने कहीं मुंह धोया था या कहीं आंखें मसली थी तुमने? हाँ भाभी याद कीजिए। याद करो कली। अरे आप एक मिनट रुकिए तो सही, हमें याद तो करने दीजिए। हाँ याद आया। कहाँ? नहीं नहीं, वो लगता है वहां तो नहीं गिरा होगा। हाँ याद आ गया, याद आ गया, पर पक्का याद आ गया कि वो लेंस कहाँ गिरा होगा। कहाँ? बस अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को फोन पे रेसिपी भेज दूंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, वैसे भी आप दोनों ने आधे घंटे में 4 प्याज काटे। अरे बहना ऐसा तो मत बोल। क्यों ना बोलूं? कहा तो आप मेरा घर बसाने आए थे, आप दोनों तो बस अपने जुगाड़ में लग गए। अरे बहना, थारा भी घर बसाएंगे और सरपत भाई ने भी, तू दिल छोटा ना कर, बस हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। इतना तो कर सकती है हमारे लिए। भुजाई ने खराब खाना खिलाएगी के? तो बुलाओ ना अपनी उस नौकरानी को, और अगर आपकी दुल्हनिया को आपसे जरा सा भी प्रेम होगा ना तो वो समझेगी। भाई मैं एक काम करता हूँ ना, छत से उस नौकरानी को देख करके आता हूँ। जा जल्दी जा। रानी नरपट सरपट कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ और ताई जी मेरे कमरे में पेपर्स ढूंढ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लेंस ढूंढ लेते हैं, मुझे लग रहा है यहीं पे मिल जाए। सॉरी दिव्यम जी, क्या कर रहे हैं? भूल गए, वापस से सर टकराना होता है, वरना सींग निकला।
तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो अब लेंस ढूंढ लें। हाँ, हाँ, हाँ। अरे क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं देता क्या? हे भगवान, पता नहीं इन लोगों ने पेपर्स कहाँ छिपा करके रख दिए हैं। तो जाओ जाके अपनी लाडली बहू रानी से जाके पूछो। बिना ताना मारे आपका दिन गुजरता नहीं है ना? नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारे वजह से हो रहा है। हमने कहा ना हमारी वजह से कुछ। रानी को कौन लाए इस घर में? हाँ तो हम लाए, लेकिन नरपत सरपत की वजह से हो रहा है, रानी की वजह से कुछ नहीं हो रहा। रानी को कौन लाया? पता था तुम दोनों को काम दूंगी, काम कम और लड़ाई ज्यादा होगी, इसलिए मैं और ब्रिज आए हैं। चलो मिलकर ढूंढते हैं फाइल। जाओ ढूंढो, आप भी ढूंढिए। दामाद जी, इतना गुस्सा क्या कर रहे हो? और के नहीं दिखे मन्ने? कुछ पैरों के नीचे आ गया क्या मेरे? पैरों के नीचे तो कुछ भी ना है। हाँ तो नीचे मुझे लगा पानी गिरा हुआ है, तुम गिर गिर जाते, हड्डी वड्डी टूट जाती। अब हम तो भले लोग हैं ना, हमें चिंता होती है सामने वाले को चोट लग जाए तो, इसलिए बस वो गुस्सा कर दिया मैंने। अरे दामाजी, तुमने इतनी फिक्र से मारी? ये दोनों अटके कर रहे हैं। अब वो हम आपसे पूछने आए थे, आपको हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है, है ना गुरु भैया? हाँ, कुछ चाहिए तो बताओ। दुनिया क्या ढूंढ रही हो? और मारे से नजरें क्यों फेर ली? राधिका, ये तो एकदम ही खराब हो गया। एक काम करो, तुम यहाँ संभालो, मैं जाता हूँ और बाजार से जल्दी जाके दूसरा लेंस लेके आता हूँ, ठीक है? जाइए जाइए, संभाल लेना। बताओ ना दुनिया, क्या ढूंढ रही हो और हमसे नजरें क्यों चुरा रही हो? कुछ नहीं, वो हम आप ही को ढूंढ रहा था, आप मिल गया तो अब हम चलता है। अरे रुको, बोलो भैया, शांत हो जाइए, संभालिए, भाभी है ना, वो देख लेंगे। सरपू जी, वाई हाथ पकड़ोइंग, नो इंडियन संस्कार ना? ना ना, हमारा ज्यादा गलत ना है, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि आप नजरें क्यों चुरा रहे हो हमसे। वो मेरे कोल्ड हो गई है, सुखम कोल्ड। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरा फोन रसोई में रह गया, मैं लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। इट्स ओके, इट इज ओके। भैया आप क्या मुझे कड़छी पकड़ा कर आ गए? ओह माय गॉश, शूर्पनखा जी, क्या हुई? शूर्पनखा नहीं हूं मैं। व्हाटएवर। अरे बहन, गुस्सा क्यों कर रही है? अच्छा दुल्हनिया जी, यस, मुझे एक मैसेज आया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत हाई फाई, आप जरा पढ़कर बता देंगे क्या लिखा है? देखिए ना, भोलेनाथ जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपने ये रूप ले तो लिया है, लेकिन बहुत संभाल कर लीजिएगा। अगर आपको जरा सी भी गड़बड़ लगे या आप फंसने लग जाए ना, बात को ऐसे घुमाइएगा कि वो लोग घूम जाए। हेरी चोबा मोरा मोरू बोरा बोरू अमोर तमोर चिंग चौंग कचौरी। क्या क्या क्या? अरे क्या हुई, आपको चीनी चपानी नहीं आता? चीनी पर मैसेज तो इंग्लिश में है ना, आप चीनी चपानी में क्यों पढ़ रहे हैं?
तो मेरा रियल भाषा चीनी जापानी है और हिंदी और इंग्लिश तो लिटिल लिटिल। और वैसे भी जैसे आपको चीनी जापानी नहीं आता, ऐसे ही मेरे को अंग्रेजी नहीं आता। अरे वाह दिलीनिया जी, तुम तो गरीब होशियार से, तुम्हें इतनी सारी भाषा आती है। जी, I mean yes. It's too hot. यहाँ पे बहुत गर्मी है। कैसे रहता है तुम लोग? देखा, ऐसा लगता है करी बिल्कुल इसी रोल के लिए बनी। क्या घुमाएं दोनों को? हाँ भैया। हाँ भाई, भाभी को तो मानना पड़ेगा। ओए नौकरानी। जी। अच्छी। कूल कूल। अरे नौकरानी कटे गई तम। इसने क्यों या? चलो। भाभी भाभी उठिए जल्दी से, इससे पहले इन्हें शक हो जाए, आप अपने रूप में आ जाइए जल्दी से। हाँ चलो चलो, जब तक दिव्य भी तुम्हारा लेंस लेके आ जाएगा। कली ना दिख रही हमें, मैंने छत आंगन सब जगह देख लिया, वो कहीं ना मिल रही मुझे। कहीं भाग तो नहीं गई? अरे उनका पति घर ससुराल सब यहीं है, कहाँ भाग के जाएंगी। गई होंगी कहीं सैर सपाटा करने, आ जाएंगी। मैं कमरे में आराम करके आती हूँ, ठीक है? दुल्हनिया का खाना कौन बना देगा? जब से वो आई है तब से नौकरानी गायब है। रुकिए, मैं नौकरानी को ढूंढ के लाती हूँ। भाभी आप जल्दी से ये लेंस उतारिए, हम आपकी विक्स की क्लिप खोल देते हैं। हाँ बेटी। अब समझ आए ये दुल्हनिया इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मुझे सूर्पनखा कहा था ना, अब इसकी नाक तो काटनी ही पड़ेगी। अरे रानी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? वो क्या है ना रानी जी, हम तो सफाई करने ही आ रहे थे, पर हमें ये कमरा खुला दिखा और ठंडा भी था, इसलिए हम थोड़ा लेट गए और पता नहीं कब आग लग गई। तुम यहाँ हो तो दुल्हनिया जी का? कौन दुल्हनिया? झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम ही। प्लीज बाहर हमको टॉवल मांगता हो। रानी जी लगता है जिसे आप ढूंढ रही है ना वो अंदर है। दुल्हनिया जी आप अंदर हैं? इट्स ओके, हमको टॉवल मिल गया, थैंक यू। भाभी हमें लगता है रानी यहीं पर आ रही है। अब एक काम कीजिए, आप ना दुल्हनिया की आवाज में कुछ रिकॉर्ड कर दीजिए। नौकरानी हो तुम, महारानी नहीं, तो यहाँ आराम फरमा रही हो। घर में मेहमान आए हैं, जाओ उनके खाने पीने की तैयारी करो, जाओ। अच्छा हमने भाभी से रिकॉर्डिंग करवा ली थी ना, आज तो गड़बड़ी हो जाती। खैर हम माँ जी से जाके पूछते हैं उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले या नहीं। मन अति सुंदर के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।